मटर के जाने का टाइम आता है और करेला भिंडी आ जाता है। और करेले के सीजन में देखकर मन तो करता है लाया जाए, लेकिन घर के कुछ मेंबर करेले को खाना पसंद ही नहीं करते। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि आप घर की सब्जियां बनाएं जो हम लोग घर में आसानी से बना सकें। तो आज मसाला किचन में बन रही है करेले की एक ऐसी सब्जी जिसे आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा। करेला अक्सर कई लोग नहीं खाते, लेकिन इस टाइप से बनाएंगे तो 100% खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो चलिए सबसे पहले हम करेले को कट करते हैं। करेले को हमने वॉश कर लिया है, साफ कर लिया है कपड़े से, लेकिन इसका छिलका हम नहीं हटाएंगे। इन केस आप बिल्कुल भी जरा सा भी कसीलापन नहीं पसंद करते हो तो आप छील कर भी बना सकते हो, पर कोशिश कीजिए इस तरीके के जो नए करेले आते हैं अंदर बीजा भी ज़्यादा मोटा नहीं है, उसका छिलका भी बहुत सॉफ्ट सा है, उसे आप इस तरीके से कट कर लीजिए। बहुत ही हेल्दी होता है ये करेले को खाना चाहिए, ब्लड प्यूरीफाई के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने 4 से 5 करेले लिए हैं, 3 करेले तो बिल्कुल सॉफ्ट थे, 1 करेले के बीजे थोड़े से लाल लाल हैं, मतलब पके बीज हैं, चाहे तो उनको निकाल सकते हो, वैसे मैंने अभी इसमें नहीं डाला। अब पहली चीज़ जो नई करने वाली हूँ इसके साथ वो ये कि इसमें आधा नींबू डाल दीजिए और डाल दीजिए इसके अंदर नमक। अब नमक और नींबू डाल के इसे आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, जिससे इसका कसीलापन थोड़ा चला जाए और ये बहुत ही टेस्टी बने। आपने कई टाइप के करेले बनाए होंगे, भरमा करेले बिना प्याज के या प्याज वाले, लेकिन मेरी गारंटी आपने इस टाइप से करेला नहीं बनाया होगा। अब इस करेले को ढक के रख दीजिए, अपन धीरे धीरे इसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने लंबाई में काट दिया है, हरी मिर्च लंबाई में काट ली है और टमाटर 2 जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ करेले के लिए लेते हैं हम बेसन। यहाँ पर जो मैंने बेसन लिया है ना, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ लाल मिर्च डाला है, नमक नहीं डाला। क्यों नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक हमने करेले में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वॉश तो मैं करूंगी नहीं, तो बस नमक उसमें है, बेसन में सिर्फ लाल मिर्च डाल के हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं। अगर बेसन में भी हम नमक डालेंगे तो नमक ज्यादा हो सकता है। ये सब करने के बाद करीब आधा घंटा हो गया करेले को, अब हम इसका पूरा जो पानी था ना वो निकाल लेते हैं। नमक और नींबू के साथ इसका पानी निकला है कसेला सा। चलिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है, अब इन करेलों को बिना धोए ही मैं क्या कर रही हूँ, इस बेसन में हल्का हल्का डुबो के और इसे फ्राई कर रही हूँ। या फिर आप पूरे ही करेलों को इस बेसन में डाल दीजिए मेरी तरह, इस तरीके से जो मैंने अभी बचे हुए करेले डाले हैं, और इन्हें अच्छे से मैरिनेट करके इन्हें फ्राई करते जाइए। इससे होगा क्या, बहुत ही कम बेसन इन पर लगेगा और ये अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें और मसाले तीखे करने के लिए डाल सकते हो, मैंने सिर्फ नमक मिर्च ही डाला है। अब सारे करेले को हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। फ्राई होने के बाद करेले की ऑलमोस्ट सारी कड़वाहट चली जाती है। स्टफ्ड करेले कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने पहले आपको रेसिपी दी है, आप उसे देख सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और बहुत जल्द मैं आपको बिना प्याज के स्टफ्ड करेले की रेसिपी भी ज़रूर देने वाली हूँ। वैसे घर में कैसे बनाई जाती हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से 2-4 मसालों के साथ मैंने बहुत सारी सब्जियां बना रखी हैं, यहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब यहाँ पर एक पैन लेते हैं, उसमें थोड़ा ऑयल डालते हैं और ये जो लंबे कटे प्याज हैं वो इसमें डाल देते हैं। करेले की सब्जी इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अब प्याज को मैंने थोड़ा सा पका लिया है, प्याज को मैं निकाल लेती हूँ, इसी में जो ऑयल बचा है उसमें डाल देते हैं हम जीरा। ये जो टमाटर मैंने ग्राइंड किया हुआ है वो इसके अंदर डाल देती हूँ, टमाटर को पकना चाहिए अच्छे से। अब टमाटर में और प्याज के हिसाब से, सब्जी के हिसाब से नमक डाल दीजिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारा डालने के बाद इसे पकाइए जब तक कि इसका ऑयल ना निकले। इसे मैंने ढक के रख दिया है जब तक ये टमाटर अच्छे से पक ना जाए। अब इसमें डाल दीजिए और एक सीक्रेट, ये है अचार का मसाला। जी हाँ, अचार का जो सरसों का तेल होता है थोड़ा सा वो, और मसाला चाहे वो आम का मसाला हो या फिर आपकी मिर्च का मसाला हो वो डाल दीजिए, बहुत टेस्टी लगेगी ये सब्जी। अब आप प्याज और करेलों को मिक्स करके इसे सबको एक साथ मिक्स कर दीजिए।
देखने के बाद सबके मुंह में पानी आएगा, कोई ये नहीं सोचेगा ये करेले की सब्जी है, हम ये क्यों खाएं, बहुत टेस्टी लगेगी। अब सबको मिक्स कर दीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ कुछ पानी के छींटे डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मुश्किल से 3 चम्मच के आसपास, और इसे ढक दीजिए, जिससे करेला अच्छे से सॉफ्ट भी होगा, प्याज भी सॉफ्ट होगा करेले के साथ, और बहुत ही बढ़िया ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। 5-7 मिनट जब स्लो गैस पे पक जाएगी, ऊपर से डाल दीजिए हरा धनिया, और ये बढ़िया से सब्जी बनकर तैयार हो गई है। जब आपको लगे कि ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, इसे आप सर्व कीजिए। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे ना, बहुत पसंद आएगी। इस करेले को अगर आप थोड़ी देर रख देंगे ना, जो मैंने मसाला डाल के रखा था, तो उसकी कड़वाहट पूरी निकल जाएगी, उसका पानी आप ड्रेन आउट कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में जो जरा सा मैंने ट्विस्ट किया ना, जो इसमें अचार डालने का, उससे करेले बेहद टेस्टी बनेंगे। कैसी लगी आपको ये करेला बनाने की स्टाइल, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें।